अभी हम खा रहे हैं बिरयानी। और ये भी आई है बॉस पकवान हाउस से, बड़ी मज़े की बिरयानी होती है। तो इसको निकालते हैं प्लेट पे, फिर खाना खा के मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने हाजिर हैं और बिरयानी खा रहे हैं बहुत मज़े की, बहुत उमदा बॉस बिरयानी। आपको पता है हम तो अपनी हर चीज़ वहीं से ले रहे होते हैं क्योंकि है जायका है बासमती चावल के साथ। बहुत उमदा बिरयानी होती है, कभी मौका लगे तो ज़रूर आइए, लियाकत स्क्वायर के स्टॉप पर है बॉस बिरयानी कैफे। शादी वादी का खाना भी करवाना हो तो बहुत अंदा कम कीमत में अच्छा खाना, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की। तो खाना खाएं, कुछ बातें करते हैं। मैं ले रही हूँ बिरयानी का मज़ा, यकीनन आप लोगों को भी भूख लग गई होगी। तो क्या ख्याल है, आ जाएं फिर आप लोग भी साथ खाएं। लेकिन उसके पहले जो कोने पे बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, प्लीज़ यार दबा दो इसको, सिर्फ यूं करना है और कुछ नहीं होगा, बस यूं कर दीजिए। और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन भी अच्छी तो लगती होंगी है ना, तो कर दो प्लीज़ दबाओ दबाओ। तो थोड़ा खाना खा लें फिर मिलते हैं, ज़रा जल्दी से, दिल नहीं हाथ नहीं रुक रहा, ज़रा खा के फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं। आ गई, क्या लाई? प्याज है, सिर्फ प्याज लेने गई थी? प्याज इतनी देर लगा दी प्याज लेने में? अच्छा, और गोश्त वोश्त नहीं लाई? चिकन बनाना, कुछ भी उसका नहीं बनाना, आजकल वैसे ही बीफ में बीमारी आई है। अच्छा पीएफ से, हाँ वहाँ पर तो फिर सर्टिफाइड होता है, लेकिन फिर भी भाई भैंस का गोश्त खाओ, भैंस का, ये लो, ये तुम्हारे पैसे गिरे थे, ये लो, ये इसके इसके 10 गुना ज़्यादा, 10,000 गुना ज़्यादा करके देना मुझे। अच्छा और इसाक पुत्र कहें, कब आएंगे? चलो हमारे व्यूवर्स को सलाम नहीं किया आज तुमने, हेलो। इस औरत को सुकून नहीं है, है अभी ये नीचे थी, अभी ऊपर पहुंच गई। नीचे जब तक चाय बन रही है मैं ऊपर, इसको अपनी बहुत छुट्टी आने दो। ये देखो ये ना नीचे बेचारी जैनब को चाय का बोल कर आई होगी। हाँ भाई हीरोइन जी, आपका कमरा दिखाने आए हैं आज हम है? हाँ भाई, मैंने तो बिरयानी खा ली है रुताबा, अब दाल चावल बनाने। मैंने दाल भिगो दी। अच्छा भिगो दिए, तो चावल बना लूँ मैं, मिक्स दाल वो कर दी। पचमेर? हाँ, अबू का दिल चाह रहा इसलिए मैंने पचमेर। चलो मेरा कमरा दिखाने आई है। हाँ तुम्हारा कमरा, छोटे छोटे पसीने दिखाए। अच्छा ये लो। आज हम तुम्हारे घर, आज हम तुम्हारे घर का विजिट करवा रहे हैं। ये ऊपर की लाइटें खोलो, वो वाली कलरफुल वाली। हर कलर की लाइटें हैं इसके कमरे में, ये देखो ये सारी कलर की लाइट बंद करके बाकी लाइटें बंद कर देते हैं। सफाई नहीं करी तो फिर भी साफ ही दिख रहा है भाई घर तुम्हारा, ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हम पार्टी करेंगे, पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे।
ये देखें भाई, वाह भाई कितना अच्छा सजा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा, ये भी बहुत अच्छा है। कॉफी तो पिलाई नहीं तुमने, सर्दी भी निकल गई इसमें। हाँ किचन सेट करने में लगी हुई थी। पता नहीं रुता अब अगली सर्दी में फ्री हो के नहीं हो, बहुत मसरूफियत है अब पता नहीं भाई। हाँ रुताबा कैबिनेट्स भी, कैबिनेट्स में भी कुछ किया है? कैबिनेट्स में क्या किया है, सामान ही रखा है बस जैसे रखते हैं। वाह भाई रुताबा का किचन देखें भाई, ये चूल्हा भी लग गया, ये कैबिनेट्स है। सही ये कैबिनेट है, सही ये उस दिन की मेहनत रंग लाई है, कितनी मेहनत की है इस बच्ची ने। गुड अभी काम रह गया है थोड़ा सा किचन में। क्या रह गया काम? अभी वायरिंग वगैरह होगी, चूल्हे की लाइटें वगैरह लगेंगी। वो तो बैठ की तरफ से, तुमने तो अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया ना। वाह भाई वाह, ये पर्दा लगाया है यहाँ पे, ये सही, ये सही है। तुमने टंकी रख ली ना, अब इसी में से पानी बस भर दिया और निकालते रहे। सही, वॉशिंग मशीन भी सेट हो गई रुताबा की जी, और सारे कपड़े भी धुल गए 2 महीने के। ए 2 महीने के कैसे? अरे बहुत सारे हो गए थे नीचे में, थोड़े थोड़े से अपने धो रही थी, अबू के और उबैद के सारे हो गए थे। अच्छा बेडशीट वगैरह सब चीजें बहुत हो गई थी, फिर अब जाके सब साफ हो गया। चलो गुड है, चलो भाई चलो। अच्छा यहाँ तुम दरवाजे के पीछे जो है वो कपड़ों का वो रख लेती हूँ, ये भी सही है, दिखे ना ये हिस्सा भी बिल्कुल क्लियर, अच्छा हो गया साफ सुथरा, गुड। ये भाईजन का महल, टीवी का कपड़ा गिर गया तुम्हारा, देखो अब यही होगा कि कपड़ा सही से नहीं लगा के रखती है बहू। नहीं वो पंखे से जो है ना वो गिर गया हमारा। अच्छा ये अभी सफाई नहीं हुई है जिसमें, अब ना पता है अब तुम्हें हो रहा है और ये मूवी बनाने आ गई है हमारी। हाँ ये अभी ये कह रही है सफाई नहीं की, देखो जरा ये सफाई नहीं हुई हुई, परसों की हुई भी है, कल से पोछा लगाया था पूरे घर में। अच्छा अब ना बेडशीट उतावा तुम ना भाईजन के लिए पतली वाली कॉटन की लेकर आओ। हाँ, हाँ। क्योंकि ये गर्मी में ये चुभेगी। हाँ लेकर आई, ये मैट्स लेने हैं मुझे भी, इतने अच्छे अच्छे मैट ला ला के डाल लिए हैं और बस मुझे जला रही है। हाँ ये तो लेना है लाजमी, ये उबैद साहब 24 घंटे कहाँ अब्बू के सामने रहते हैं 24 घंटे। हाँ ताकि ये ना हो उबैद कहाँ है, उबैद ये रहा। ये भाईजान यहाँ पर लेटते और यहाँ सामने उबैद होता है। चलो गुड, और भाईजान की अलमारी भी सेट कर दी। अरे वाह गुड, वाह भाई जबरदस्त, ये है भाई देखो सुगड़ बहू कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है सब। हमने शादी शुरू में एंजॉय नहीं करा, अब हम पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे, पहले हमने अपना घर सेट। ऐसा होता है शाबाश, ये देख। हाँ क्योंकि शादी के शुरू का साल सर्दी भी लग सकती है, तो ब्लैंकेट हमने यहाँ रख लिया। सही, वैसे क्यों लगेगी सर्दी उनको, अब वो कह रहे हैं सर सुकून मिलता है ब्लैंकेट। बस भाईजन भी ना इसलिए मैंने उनको रखा नहीं पर दो छत्ती। इसको वेंटिलेटर पे कब डालना है, मैं इतना मजाक उड़ा देती भाई इनका, हर सर्दी में इसकी वेंटिलेटर पे जाता है, 2 महीने तक जिंदा रहता है फिर मर जाता है। इंशाल्लाह नया लेंगे इंशाल्लाह। आज हम करवा रहे हैं रुताबा के घर का होम टूर। वाह भाई किचन भी, वाह ये कब लगा, ये तो बहुत अच्छा, ये तो कल लगा है। साउ गुड, ये तो बहुत अच्छा है। सब ये मैंने और उबैद ने कलर किया था। अच्छा यहाँ पे टॉवल भी दी हुई है। वो फ्लैश उस पे बैठो ना कमोड पे, तो गीला गीला जी चिप चिप से रखा है, रखी हुई थी जिसको बैठना वो साफ करके बैठे। गुड। इसका ना रुताबा वो भी आता है फॉर्म, सीट भी आती है। अच्छा। वो मैंने अपने लिए भी लेनी है और ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। वो नीचे थोड़ी सी बिरयानी बचा के आई हूँ मैं, जाओ वो खा लो। अभी भी कुछ रह गया है बहुत सारा। जी। ये पंखे मैंने अपनी पसंद से लाई थी उबैद के लिए।
बाबा साहिबा, अब आप आ जाएं। अल्लाह तुम्हें बहुत सर्दी लग रही है, तुमने भी पूरा वो लिया हुआ कम्फर्टर। अबू की बहू है ना, सुकून मिलता है। चलो भाई, इसके साथ का पूरा सेट था, इसलिए मैंने ये इस सर्दी में निकालना चाहिए था ना। निकाला था। अच्छा, मैंने कहा बस एक ब्लैंकेट गंदा हो रहा है ना, उसको गंदा होने दो, ये गंदा नहीं कर। हाँ सही, इसलिए मैंने ये बस कर मैं इसलिए आपसे दो तकिए मंगाए। तो मैंने कहा तो था ले लो। कौन से बड़े तकिया? बड़े तो नहीं है मेरे पास, इन लोगों के पास तो बहुत सारे तकिया है बड़े, इतने चपटे चपटे तकिए और छोटे भी हैं। हम लोग के बड़े बड़े तकिया लेने की वो है। हाँ क्यों उबैद का खाना तो वो था, उबैद को फिर इसमें शिफ्ट कर दिया। उबैद के बहुत बहुत कपड़े ना वो था, ये तुमने शिफ्ट कर दिया उबैद को क्या? ये उबैद की सिर्फ नीचे यहाँ उबैद के रखे हुए और ये पूरा उबैद के यहाँ हैंगर पूरे मैंने करके रखे हुए और इधर इधर सारे मेरे हैं। अच्छा, इधर भी उबैद का लैपटॉप वैपटॉप भी सब यहीं पर है। ये बॉक्सेस में क्या है बताबा? एक में मंगनी का सूट रखा हुआ, एक में सारे टॉवल रखे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही ऐसी बस सामान सही। चलो सही, चलो तो आज जो है वो रुताबा के घर का होम टूर हुआ है। हाँ हाँ, मैंने बताया नहीं है और फिर भी कह रही है साफ। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ये साफ सुथरा नहीं है क्या, जो कह रही है साफ नहीं है, आपको क्यों आ गई? हाँ ना सर, ये बोल रही थी ना मेरा घर साफ नहीं है, अभी मेरा सफाई नहीं करी। ये खपती हो गई है, सफाई की खपती। मासी भी निकाल दिए पागल ने। तो ये था आज का दिन और उबैद और रुताबा का घर। रुताबा ने अपना घर डेकोरेट किया था तो हमने कहा चलो आपको होम टूर करवाएं। मिलते हैं कल एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।